आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिगिनर्स मेकअप किट के बारे में। जी हाँ, मैं कुछ प्रोडक्ट लाई हूँ जो कि बिगिनर फ्रेंडली हैं। जैसे कि जो बिगिनर्स होते हैं या फिर जिन्होंने अभी न्यू मेकअप करना स्टार्ट किया होता है, तो उन्हें मेकअप के प्रोडक्ट के बारे में उतनी नॉलेज नहीं होती है, या फिर जो कॉलेज गोइंग होते हैं, टीनर एजर्स होते हैं, तो वो क्योंकि मेकअप के प्रोडक्ट बहुत महंगे महंगे मिलते हैं तो वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो मैं अंडर बजट यानी अंडर 250 मेकअप के प्रोडक्ट आपको दिखाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी, जिन्हें आप परचेस कर सकते हैं और जो कि आपके बजट में है। सो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो मेकअप के प्रोडक्ट दिखाने जा रही हूँ, एक तो वो अंडर बजट हैं, अंडर 250 हैं, और दूसरी बात अच्छे क्वालिटी के हैं जो कि आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। तो मेकअप करते टाइम हमें सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो होता है प्राइमर। जी हाँ, प्राइमर हमारे बेस को स्मूथ कर देता है और जो हमारा मेकअप होता है वो हमारे पोर्स के अंदर नहीं जा पाता है, और प्राइमर लगाने से हमारी स्किन स्मूथ हो जाती है, जिससे जो हम मेकअप जब करते हैं ना तो वो स्मूथ होता है। यानी आपका बेस अच्छा होता है तो आप ऊपर जो भी करेंगे वो अच्छा ही होगा। तो प्राइमर के लिए आपको चाहिए ये ब्लू हेवन का प्राइमर है। ये अच्छा प्राइमर है, वैसे तो इसकी MRP 300 है, पर ये अगर आप ऑनलाइन परचेस करते हैं तो आई थिंक मुझे ये 200 में मिल गया था, तो मैंने इसे अमेज़ॉन से लिया था। तो जब भी आपको मेकअप के प्रोडक्ट लेना हो तो आप जब लोकल मार्केट से या शॉप से लेते हैं ना, तो वो आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट नहीं देते हैं, या नहीं भी देते हैं बहुत सारे तो शॉपकीपर। तो आप अगर ऑनलाइन परचेस करेंगे ना तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा और प्रोडक्ट भी सही मिल जाएगा। तो ये मैंने जितने भी प्रोडक्ट मैं आपको दिखाऊंगी सारे ऑनलाइन है मेरे, और मुझे डिस्काउंट भी मिल गए थे और अच्छे प्रोडक्ट हैं। तो प्राइमर के लिए आप या तो इसे चूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप इसे नहीं लेना चाहते हैं तो आप एलोवेरा जेल को भी यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा जेल बहुत अच्छा प्राइमर होता है, बहुत अच्छा प्राइमर का काम करता है, और सबसे बड़ी बात आपकी स्किन के लिए भी अच्छा होता है, आपकी स्किन के लिए बेनिफिशियल होता है। तो एलोवेरा जेल तो बहुत सारे ब्रांड का आता है, वाओ का, मतलब जैसे भी बहुत सारे ब्रांड का है। तो अब मैं आपको सजेस्ट करूंगी पतंजलि का आप ले सकते हैं, क्योंकि वो 70 रुपीज़ में अच्छी अमाउंट में मिल जाता है और काफ़ी चलेगा और अच्छा भी होता है। मैं भी ट्राई करती हूँ, यूज़ करती हूँ उसे। तो अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है जब आप प्राइमर अप्लाई कर लेते हैं तो ये देखिए, ये है लैक्मे का सीसी क्रीम कॉम्प्लेक्शन केयर। ये मतलब शेड है बेज, तो ये ऑल इन वन स्किन के लिए है और इंस्टेंट स्किन को स्टाइलिश करता है। तो ये SPF 30 भी है इसमें, जो कि आपको सनलाइट से प्रोटेक्ट करता है। तो अगर आप फाउंडेशन नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर मार्केट में बीबी क्रीम भी आती है पॉन्ड्स की, गार्नियर की, आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। तो ये एक अच्छा रहेगा, ये अगर हल्के फुल्के आपके स्पॉट हैं तो उन्हें भी कवर कर देता है, ठीक ठाक कवरेज दे देता है। तो आप अपने किट में एक इसे ज़रूर शामिल कीजिए, ये बहुत ही अच्छी क्रीम है। और इसके बाद आता है फाउंडेशन। जैसे कि कभी अगर थोड़ी सी मतलब जैसे कि पार्टी है या फिर कुछ स्पेशल ओकेजन है, या फिर ज़्यादा स्पॉट्स हैं आपको, या आपको फुल कवरेज चाहिए, ज़्यादा कवरेज चाहिए, तो सीसी क्रीम या बीबी क्रीम उतना कवरेज नहीं देता है, तो आप फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। तो मैं फाउंडेशन के लिए आपको सजेस्ट करूँगी ये मेबलिंग का, देखिए मेबलिंग का फिट मी है, ये मेरा शेड है 128। तो आप अपने शेड के अकॉर्डिंग, मतलब अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग शेड चुन सकते हैं। ये भी अंडर बजट है, मैं जितने भी प्रोडक्ट आपको दिखाऊंगी सब अंडर 250 हैं। ये भी मैंने ऑनलाइन ही परचेस किया था नायका से, तो मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट मिल गया था। तो ट्रस्ट मी, ये फाउंडेशन बहुत अच्छा है, ट्राई कीजिएगा ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ये भी अच्छा है, नॉर्मल है तो भी अच्छा है, तो आप इसे ट्राई करके देखिएगा, अच्छा कवरेज देता है। नेक्स्ट आता है कंसीलर। तो कंसीलर मतलब अगर आप अच्छे ब्रांड में लेने जाएंगे ना तो 400-500 से स्टार्ट होते हैं और मतलब ऊपर तक जाते हैं। सो अंडर बजट, क्योंकि अगर आप रोज़ मेकअप नहीं करते हैं तो आप जो है ले सकते हैं। ये देखिए, ये स्विस ब्यूटी का है कंसीलर, मैं इसे यूज़ करती हूँ,
ये 5 to 6 ग्राम का है और अच्छा कंसीलर है, तो इससे क्या होगा जो भी आपके डार्क स्पॉट हैं तो आप इसे कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा काजल। तो क्योंकि काजल तो बहुत ज़रूरी होता है मेकअप के लिए, अगर आप कोई भी मेकअप नहीं करते हैं फिर भी अगर आपको बाहर जाना है आप सिर्फ काजल अप्लाई कर लेते हैं तो आपका लुक चेंज हो जाता है, आपकी आंखें जो है वो क्या कहते हैं बड़ी बड़ी सी हो जाती हैं, ब्यूटीफुल सी लगती हैं। तो काजल के लिए आप मैं देखिए लैक्मे का आइकॉनिक यूज़ कर सकती हूँ, ये अंडर बजट होता है और ऑनलाइन तो इस पर डिस्काउंट भी मिल जाता है। आई थिंक मैंने इसका 2 का कॉम्बो लिया था तो ये मुझे मिल गया था 236 ऐसे ही। तो या फिर मैंने न्यूली मतलब शुरू किया ये प्लम का, ये भी अच्छा है पर ये कॉस्टली है। तो आप लैक्मे का आइकॉनिक या फिर क्लोजल का या फिर मतलब 2-3 काजल हैं जो ऐसे ही रेंज में आते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आती है बारी आईब्रो पेंसिल की। जी हाँ, अगर हम मेकअप करते हैं तो आईब्रो को हमें जो है फिल ज़रूर करना चाहिए, नहीं तो मेकअप कंप्लीट नहीं लगता है। तो आईब्रो को फिल करने के लिए हमेशा आपको डार्क ब्राउन शेड लेना चाहिए क्योंकि ब्लैक कलर जो है आर्टिफिशियल सा लगता है। तो उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ ये आईब्रो पेंसिल है, स्विस ब्यूटी का है। देखिए इसमें ये भी आता है, इससे आप शेप दे सकते हैं तो अच्छा है। और आई थिंक 50 रुपीज़ के अंडर ही है ये, एक्चुअली मुझे एग्जैक्ट प्राइस नहीं याद है। वैसे तो इसकी प्राइस 75 है पर ये मुझे डिस्काउंट पे मिल गई थी जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो ये हो गया। अब इसके बाद बारी आती है लाइनर। यह लाइनर तो बहुत ही ज़रूरी है अगर आप मेकअप करते हैं तो। तो लाइनर के लिए ये देखिए ये फेसेस का है, अगर आप बिगिनर हैं तो, क्योंकि जब हम नए नए मतलब नए होते हैं या हमने आई लाइनर शुरू किया होता है तो उतनी अच्छी हम शेप नहीं दे पाते हैं, हमारा हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है आई लाइनर को अप्लाई कर। तो इसका जो एप्लीकेटर है ना बहुत ही फाइन, मतलब एकदम पतला है, बहुत अच्छा है कि आपने देखिए मतलब बहुत अच्छा है, इसे आप बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं और इसका बॉन्ड भी छोटा है ना तो वो आपके फुल कंट्रोल में होता है हैंड में। बहुत ही अच्छा आईलाइनर, ट्रस्ट में अगर आप वाटर से यहाँ तक या फेस वॉश से भी अगर वॉश करते हैं ना फेस तो ये इजीली जाता नहीं है, आपको जो है मेकअप रिमूवर से इसे हटाना ही पड़ता है। तो आप इसे ले सकते हैं या फिर लैक्मे का इंस्टेंट एक आता है ना वो भी अंडर 150 के ही है, वो भी आप ले सकते हैं। ये भी 200 के अंडर ही था, मैंने लिया था। वैसे आप शॉप पे ले जाएंगे तो महंगा मिलेगा पर क्योंकि ऑनलाइन लेंगे तो सही मिल जाता है। और इसके बाद आता है मस्कारा के बारे में। मस्कारा तो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आपकी पलकों को जो है डिफाइन करता है, इन्हेंस करता है आपके आई लुक को। और आपने कुछ भी नहीं अप्लाई किया, मस्कारा कर देते हैं ना तो आपकी आँखें जो है ब्राइट दिखती हैं। तो ये है मेबलिंग का, देखिए मेबलिंग का हाइपर कर्ल मस्कारा, ये भी अंडर 250 है, अच्छा मस्कारा है और इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं या फिर लैक्मे का भी आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद बारी आती है आई शेडो पैलेट की। तो अगर आप बिगिनर हैं, डेली मेकअप नहीं करते हैं तो आप अंडर बजट, ये है देखिए मेरा स्विस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट है। तो मैंने देखिए इस तरीके का ये है, ये देखिए अलग अलग शेड के, तो ये अंडर बजट है। ये वाला आई थिंक 218 का मिल गया था मुझे और ये वाला 204 का मिला था। तो अंडर बजट है, सही है, आप एक भी ले लेते हैं, आप ये वाला भी ले लेंगे ना तो आपका काम चल जाएगा। तो मैंने 2 ले लिया था तो क्योंकि मैं मेकअप करती रहती हूँ। तो ये जो है जो आई शेडो पैलेट है बहुत अच्छा है, इसका जो है स्वेचेज बहुत अच्छे हैं, कलर का पिगमेंटेशन भी अच्छा है, तो आप ले सकते हैं इसे। और सबसे बड़ी बात अंडर बजट है। और फिर उसके बाद बारी आती है ब्लशर की। जी हाँ, ब्लशर, तो ये देखिए ये भी स्विस ब्यूटी का है, बेक ब्लशर एंड हाइलाइटर। तो इसमें ये वाला हाइलाइटर है और ये तीनों ब्लशर हैं। तो वैसे अगर आप इन्हें भी यूज़ कर लेते हैं, अगर आपने ये हाइलाइटर नहीं भी यूज़ किया है ना तो आपको हल्की शाइनिंग दिखेगी आपके फेस पे। तो इसमें मैंने लिया था ये भी, आई थिंक वैसे तो इसकी MRP 349 है पर मैंने जैसे कि आपको बताया ये डिस्काउंट में मिला था तो 250 मतलब ऐसे ही मिल गया था, 250 या 270। तो लेकिन अच्छी बात है ना, इसमें आपको दोनों चीज़ें मिल जाती है, ब्लश अलग से नहीं लेना पड़ेगा और हाइलाइटर मतलब दोनों एक में है तो आपका काम हो जाता है। तो अगर आप नए नए मेकअप करना आपने शुरू किया है तो आपके अंडर बजट अच्छा है। और उसके बाद बारी आती है लिप को मॉइस्चराइज़ करने की। जी हाँ, आप लिपस्टिक अप्लाई करते हैं तो लिप
को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके लिप्स मॉइस्चराइज रहेंगे तो ही लिपस्टिक उस पर जो है लॉन्ग लास्टिंग रहती है और क्रैकी नहीं होती और अच्छी लगती है। तो ये देखिए, ये लैक्मे का है, ये 100 रुपीज़ का है लिप लव, और अच्छा लिप बाम है। या फिर आप ये वाला भी ले सकते हैं, मैं तो ज़्यादा यही यूज़ करती हूँ। ये मेबलिंग का है, मेबलिंग का ये है आलिया का, आलिया लव एंड बाई लिमिटेड एडिशन, ये भी अच्छा है। ये आई थिंक 170 के अराउंड मुझे मिला था। तो दोनों ही अच्छे हैं, जो आपको समझ में आए आप ले सकते हैं। इसके बाद बारी आती है बहुत ही ज़रूरी, जी हाँ, लिपस्टिक, जो कि लड़कियां या औरतें कभी भी नहीं भूलती हैं, उनके बिना तो बाहर भी नहीं जाती हैं। तो लिपस्टिक के लिए आपका अच्छा ऑप्शन है ये ब्लू हेवन की। जी हाँ, ब्लू हेवन की लिक्विड लिपस्टिक बहुत अच्छी है, पिगमेंटेशन अच्छा है, कलर अच्छा है, तो आप इसे ले सकते हैं। और ये आई थिंक मुझे 75 रुपीज़ की मिल गई थी। तो देखिए 75 में अच्छा ऑप्शन है। या फिर आप ये NYB के देखिए, ये NYB की लिपस्टिक, ये भी अच्छी होती है, ये भी ऐसे ही मिल गई थी, 150 के अंडर थी। और या फिर आप ये Maybelline का जो है ले सकते हैं। Maybelline का ये इसकी प्राइस है 399 आई थिंक, ऐसे ही है, प्राइस दिख नहीं रहा कहाँ पे है, पर ट्रस्ट मी जो भी है, बस मुझे इतना याद है कि ये आई थिंक 299 पर मुझे कुछ डिस्काउंट मिल गया था, क्योंकि मैंने कई चीज़ें ली थी ना। तो ये मैंने नायका से मंगाई थी। तो देखिए, ये रेड का कलर है और इसका शेड नंबर है 03। बहुत ही अच्छा और प्यारा रेड कलर है। ये है मेबलिंग का सेंसेशनल लिक्विड मैट, बहुत अच्छी लिपस्टिक है। या फिर अगर आपको बुलेट लिपस्टिक चाहिए तो ये भी मेबलिंग की है, इसकी भी प्राइस 299 है, पर ये भी मिल गई थी मुझे सही, आई थिंक 250 तक मिल गई थी। तो ये न्यूड शेड है, बहुत प्यारा शेड है, अभी मैंने अप्लाई भी कर रखा है, न्यूड नोनेंस करके है, तो आप ये ले सकते हैं। और या फिर जो है आप देख सकते हैं, बहुत सारे बजट में मिल जाते हैं लिपस्टिक। या फिर लैक्मे के भी आजकल सही रेंज में आ रहे हैं ना, ये भी आई थिंक 199 के अंडर ही था। ये लैक्मे का एनरिच मैट है, ये भी सही रहती है, तो आप इसे भी अप्लाई कर सकते हैं, और मैट होता है ये सब। और इसके बाद बारी आती है हमारे स्पॉन्ग की। जी हाँ, ये देखिए, ये मैंने स्पॉन्ग मंगाया है, ये ब्यूटी ब्लेंडर है, ये है गुबा का, 199 के अंडर ही था ये। तो वैसे तो इसकी MRP आई थिंक कितनी है, 249 है, पर क्योंकि ये मैंने ऑनलाइन परचेस किया था, और उस समय ऑनलाइन तो आपको पता ही है हमेशा डिस्काउंट वैसे चलते ही रहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर है, और ब्यूटी ब्लेंडर की तो आपको ज़रूरत पड़ती ही अगर आप मेकअप करते हैं तो, क्योंकि आपके मेकअप को अच्छे से ब्लेंड कर देता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, वैसे मैंने इसे यूज़ किया है तो थोड़ा सा गंदा हो गया है, पर आप देख सकते हैं, ये देखिए थोड़ा सा गंदा हो गया क्योंकि मैं इसे यूज़ करती हूँ। तो बहुत ही सॉफ्ट, एकदम अच्छा सा है ब्यूटी ब्लेंडर, आपके पास होना ही चाहिए अगर आप मेकअप करते हैं तो, क्योंकि हम आपके मेकअप को बहुत अच्छा मतलब ब्लेंड करता है, और जब तक मेकअप ब्लेंड नहीं होता ना, तब तक मज़ा नहीं आता, फिर कैकी सा लगने लगता है। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे। और ये है, ब्रशेज के बिना अभी मेकअप कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि अगर ब्रशेज नहीं होते ना, तो हम उतने अच्छे से आई लिड्स पे यानी आई शेडो वगैरह अप्लाई नहीं कर पाते हैं, दिक्कत होती है। तो ये देखिए, ये एल्योर का है, बस मैं पास से दिखा देती हूँ। ये 5 ब्रशेज का सेट, मतलब सेट होता है, इसमें लिप लाइनर, आई शेडो का, और ब्लशर के लिए, और क्या है, एक सेकेंड, आई एप्लीकेशन के लिए, मतलब जो है अच्छे हैं, इन 5 से भी आपका अच्छा खासा काम चल सकता है। ये देखिए, एक तो है जिससे आप ब्लशर हाइलाइटर अप्लाई कर सकते हैं, और ये जो 2 हैं इनमें, इनसे दोनों से आप, ये 5 से इनसे आप आई शेडो अप्लाई कर सकते हैं, और 3 जो है इनमें, मैं आपको दिखाई देती हूँ, एक सेकेंड, ये देखिए अभी एक इसमें ही रह गया, ये देखिए। तो जो अच्छे ब्रश हैं, क्वालिटी अच्छी है, बहुत ही स्मूथ है, पता नहीं चलता, बिल्कुल भी चुभते नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात, ये भी मुझे 199 के अंडर मिले थे, वैसे तो इसकी MRP जो है 250 के ऊपर है, एक सेकेंड, पर ये जो है
मुझे सही मिल गए थे। तो इसमें आपको क्या क्या मिलता है, आई लाइनर ब्रश मिलता है, आई शेडो, आई एप्लीकेटर, आई ग्रूमर, नहीं नहीं सॉरी मैं क्या पढ़ रही हूँ, अच्छा ये इनकी ब्रश की रेंज है ना, जो ऐसे ही बहुत सारे जो इनकी रेंज है वो ये दिखा रहे हैं। तो ये 5 पीस वाला है, आई थिंक मैं आपको 7 पीस वाला बता रही थी। तो ये जो है ये लिप फिलर का काम आता है, देखिए बहुत ही पॉइंटेड है और सॉफ्ट है, अच्छा है। और ये जो है ये आई एप्लीकेटर, ये भी अच्छा है, और ये भी आई शेडो के लिए है, और ये लिप लाइनर के लिए है देखिए, और ये है ब्लश ब्रश, इससे आप ना यू मेकअप कर सकते हैं। तो अच्छी क्वालिटी का ब्रश है और अंडर 199 के हैं, तो आई थिंक 175 का मुझे मिला था, तो आप परचेस कर सकते हैं इसे, अच्छी क्वालिटी का है। और नेल पेंट तो हम रह नहीं सकते, तो नेल पेंट के लिए आप ये एलिटिन का यूज़ कर सकते हैं, अच्छा भी होता है और ये 50 रुपीज़ अराउंड मिल जाता है। और इसके बाद बारी आती है, आई थिंक कंप्लीट हो गया। और हाँ मैंने आपको नहीं बताया, ये अगर लिपस्टिक के लिए ना आप ये मैट का जो स्विस ब्यूटी का मैट लिप आता है ना अल्ट्रा स्मूथ, ये भी ले सकते हैं, ये भी 199 के अंडर ही था। और मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई जो कि हमारा छूट गया, कॉम्पैक्ट। जी हाँ, तो कॉम्पैक्ट के लिए ये मेरा NYBay का है, आई थिंक ये 130 के अराउंड है। तो वैसे तो कॉम्पैक्ट के लिए लैक्मी का भी 150 के अंडर आ जाता है, और मेबलिंग का भी आ जाता है 124, मतलब ऑनलाइन तो डिस्काउंट मिलते रहते हैं, तो आप देख लीजिएगा आपको जो सही लगे, पर अच्छा कॉम्पैक्ट है। तो आई थिंक जो भी मेकअप के प्रोडक्ट थे जो कंपलसरी थे, ज़रूरी थे, वो मैंने आपको सारे ही दिखा दिए हैं। और नेल रिमूवर, नेल पेंट रिमूवर की आप बात करें तो ये भी देखिए, मैंने ब्लू हेवन का लिया था, ये इसकी MRP 65, पर ये आई थिंक मुझे 40-45 के अराउंड मिल गया था। अच्छा है, कुछ नहीं करना, यूँ खोलना है और इसमें आपको फिंगर डालनी है, बस 1 राउंड ऐसे करना है और ये आपके नेल पेंट को रिमूव कर देगा, और अच्छा है। या फिर आप इस तरीके से, ये भी इनसाइड का है, 30 वाइप्स इसमें मिलते हैं नेल पॉलिश रिमूवर, और एसेटोन फ्री है ये, और इसकी MRP है 30 रुपीज़, और ये ऐसे ही मिल गया था अराउंड 30 ऐसे ही मिला होगा, हाँ, पर अच्छा है ये भी, मैंने इसे भी ट्राई किया है। तो आई थिंक सारे मेकअप के प्रोडक्ट मैंने आपको दिखा दिए हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको सारे मेकअप के प्रोडक्ट अच्छे लगे हों, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, तो आप इसे परचेस कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन परचेस करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और सारे ही प्रोडक्ट अंडर 250 हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी इन सबको परचेस करने में। सो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि ना मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। सो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।